वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई पॉलिटेक्निक माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, रोटरी कन्वर्टर के बारे में हम जानेंगे। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने कन्वर्टर के बारे में पढ़ा था, और कन्वर्टर का काम क्या होता है स्टूडेंट ये देखेंगे हम। बेसिकली जो कन्वर्टर का जो कार्य है, कन्वर्टर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो स्टूडेंट, कन्वर्टर के बारे में यदि पूछे हम कन्वर्टर, तो कन्वर्टर का मेन पर्पस क्या है? कन्वर्टर इज अ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट अर्थात कन्वर्टर ही रेक्टिफायर सर्किट है। रेक्टिफायर सर्किट के पूरे होल कंपोनेंट को हम कन्वर्टर सर्किट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और कन्वर्टर सर्किट में आपको मिलेगा, यहां पर एसी को हम डीसी में चेंज करते हैं। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए कन्वर्टर सर्किट का यूज किया जाता है। कन्वर्टर सर्किट या कहेंगे रेक्टिफायर सर्किट का, रेक्टिफायर सर्किट का यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जब भी आपको पूछा जाए कि कन्वर्टर क्या है, तो कन्वर्टर एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला ऐसा कंपोनेंट, ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में चेंज करता है या परिवर्तित करता है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर कन्वर्टर में अलग अलग टाइप के इसके मुख्य टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनमें हमने देखा था, एक तो एमजी सेट देखा था हमने। क्लियर स्टूडेंट? कन्वर्टर में हमने क्या क्या देखा था? एक तो एमजी सेट कन्वर्टर, और कन्वर्टर में हमने फर्स्ट देखा था इसके टाइप्स में एमजी सेट अर्थात की मोटर जनरेटर सेट। सेकेंड हमने देखा था रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, और तीसरा देखा था हमने मेटल कन्वर्टर। तो ये तीन कन्वर्टर के बारे में हमने देखा था स्टूडेंट पिछली क्लास की वीडियो में। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे यहां पर रोटरी कन्वर्टर क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट? रोटरी कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। तो ये जो रोटरी कन्वर्टर है, ये रोटरी कन्वर्टर कहाँ यूज किया जाता है और इसका मेन पर्पस क्या है? क्लियर स्टूडेंट? तो रोटरी कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? सिंगल जो मशीन है अर्थात की जो सिग्नल आउटपुट के रूप में देती है, तो ऐसी जो मशीन जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है, वह सिग्नल जो डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो रोटरी कन्वर्टर है, ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। तो ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट, ऐसा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, इसमें रोटरी कन्वर्टर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों अरेंजमेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि यदि आप हम कम्यूटेटर की बात करें, कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर का मेन काम होता है, ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है कम्यूटेटर। यदि मोटर के अंदर देखे तो एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है डीसी जनरेटर में, कि यह मैकेनिकल तरीके से एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। अर्थात कम्यूटेटर का मेन काम जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में या मैकेनिकल तरीके से एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला कन्वर्टर है। क्लियर स्टूडेंट? वैसा ही यहां पर रोटरी कन्वर्टर के बारे में जब देखेंगे, तो रोटरी कन्वर्टर में यहां लिखा हुआ है एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में भी। तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यहां पर रोटरी कन्वर्टर में कम्यूटेटर सर्किट होता है, अर्थात कि कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर का जो मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है इसमें, और यह एसी को डीसी में चेंज करता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब यही हुआ कि रोटरी कन्वर्टर में हम डीसी मशीन का यूज करेंगे, और उसमें कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में चेंज किया जाता है, और फिर कन्वर्टर सर्किट के थ्रू यहां पर हम एसी को डीसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब डीसी को एसी में चेंज करने की बारी आती है स्टूडेंट, तो यहां पर इन्वर्टर सर्किट का यूज करके हम डीसी को एसी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसी बहुत सारे डीसी आपको जनरेटर मिलेंगे जिसमें से एसी हमें प्राप्त किया जाता है, तो वहां पर हम ऐसा इन्वर्टर सर्किट का ऐसा अरेंजमेंट लाते हैं, या ऐसा उसके टर्मिनल में भी ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि वह डीसी को एसी में परिवर्तित करके हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। रोटरी कन्वर्टर
जो है यह डीसी को एसी में, रोटरी कन्वर्टर यह एक ऐसा सिग्नल जो डीसी को एसी में और एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है, रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि रोटरी कन्वर्टर का काम है एसी को डीसी में चेंज करना और डीसी को एसी में चेंज करना। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? रोटरी का अर्थ होता है घूर्णन करने वाली युक्ति, अर्थात कि इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसके कारण ही यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि घूमने वाला भाग अर्थात कि इसमें रोटर पार्ट लगा होगा। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां अधिक मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, डीसी मैक्सिमम जो है, डीसी उत्पन्न कितना किया जाता है मैक्सिमम, यदि डीसी जनरेटर आप यूज करेंगे तो डीसी जनरेटर से अधिकतम वोल्टेज कितना उत्पन्न कर सकते हैं, तो अधिकतम वोल्टेज यहां पर हम 650 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? 650 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम डीसी जनरेटर वोल्टेज, डीसी जनरेटर के द्वारा मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, अर्थात कि आर्मेचर पार्ट के कारण, आर्मेचर लगा होने के कारण हम 650 से अधिक वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट। क्लियर है? अब जहां पर अधिक मात्रा में डीसी पावर की आवश्यकता होती है वहां पर हम रोटरी कन्वर्टर का यूज करते हैं। यदि इस मशीन को किसी प्राइम मूवर से घुमाया जाए, अर्थात कि ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? यह एक प्रकार का डीसी जनरेटर ही होगा। यदि मशीन के किसी को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाए, अर्थात कि प्राइम मूवर कौन कौन सा हो जाएगा जिसे प्राइम मूवर कहेंगे। प्राइम मूवर का मतलब होता है ऐसा कोई अरेंजमेंट जो रोटर के, अर्थात कि जनरेटर के रोटर पार्ट को घुमाया जाए, जैसे कि टर्बाइन। टर्बाइन से स्टूडेंट हम इस रोटर को, जो जनरेटर है उसके रोटर पार्ट को हम घुमा सकते हैं टर्बाइन के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट? तो टर्बाइन के द्वारा यदि हम इसके मशीन के प्राइम मूवर को घुमाया जाए तो इस कन्वर्टर मशीन की जो कम्यूटेटर साइड की डीसी सप्लाई है एवं स्लिप रिंग वाली जो साइड है यह एसी सप्लाई उत्पन्न करता है। अर्थात यदि आप डीसी जनरेटर पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होता है। क्लियर स्टूडेंट? यह कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। क्लियर स्टूडेंट? यदि हम कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग को लगाते हैं, स्लिप रिंग को लगाते हैं तो स्लिप रिंग क्या करेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित कर देगा। क्लियर स्टूडेंट? डीसी को एसी में परिवर्तित कर देगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं यदि इस मशीन को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमा जाए, अर्थात कि किसी टर्बाइन के सहायता से घुमाया जाए, इस कन्वर्टर जो मशीन है, इस मशीन के कम्यूटेटर साइड से डीसी सप्लाई और स्लिप रिंग वाली साइड से एसी सप्लाई उत्पन्न होती है। तो हम जैसा आपको आवश्यकता होगी उस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि यह कोई एक डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर में आपने क्या किया, स्लिप रिंग को लगा दिया, स्लिप रिंग को लगा दिया, तो आपको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, एसी प्राप्त होगा। क्लियर है? यदि आप इसी मोटर में, इसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में यदि आप कम्यूटेटर लगाते हैं, यदि आप कम्यूटेटर लगाते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको यहां पर डीसी प्राप्त होगा आउटपुट के रूप में। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि जनरेटर के अंदर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है, अर्थात कि फ्लक्स जब उसमें कट होता है, तो प्रत्येक कंडक्टर में एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कई बार पूछा गया है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर में तो वो एसी नेचर की होती है, अर्थात एसी ही उत्पन्न होती है। जिस पॉइंट पर ये कंडक्टर, ये फ्लक्स एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर उस कंडक्टर में एसी ही उत्पन्न होती है, और यही एसी फिर कम्यूटेटर के साथ, कम्यूटेटर यदि उसमें लगा है तो यह एसी को डीसी में कम्यूटेटर चेंज कर देगा। यदि स्लिप रिंग लगा हुआ है तो यह एसी को एसी में ही रहने देगा, और आपको आउटपुट टर्मिनल पर स्लिप रिंग लगा है तो आपको एसी प्राप्त होगा, और यदि आपने कम्यूटेटर लगाया है तो आपको डीसी प्राप्त होगा आउटपुट।
के रूप में। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से यहां पर कम्यूटेटर और स्लिपरिंग के द्वारा आप एसी, स्लिपरिंग के द्वारा आप एसी उत्पन्न कर सकते हैं और कम्यूटेटर के द्वारा आप डीसी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यह मशीन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कौन कौन सी मशीन है स्टूडेंट, ये देखेंगे। ये टू टाइप्स की होती है, एक तो सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर और दूसरा है थ्री फेस। तो सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर और थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर में हम इसके बारे में जब जानेंगे स्टूडेंट, तो सिंगल फेस में सिर्फ एक ही फेस होगा और थ्री फेस में तीन फेस होंगे, आर वाई बी, ये तीन फेस होंगे स्टूडेंट, और तीनों फेस में रोटरी कन्वर्टर सर्किट का यूज किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप रोटरी कन्वर्टर को समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखेंगे हम सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर। सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? तो सिंगल फेस यदि रोटरी कन्वर्टर के बारे में हम जाने स्टूडेंट, सिंगल फेस यदि रोटरी कन्वर्टर के बारे में जाने हम, तो क्या होगा? तो चलिए सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर में अक्सर एक चीज हमें देखने मिलता है कि यह सिर्फ सिंगल फेस के लिए डिजाइन होता है, मतलब कि इसमें क्या मिलेगा आपको, एक ही फेस मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक ही फेस कैसे मिलेगा, यहां पर बात हो रही है सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर, अर्थात कि इसका जो रोटेटिंग पार्ट होगा वो मूविंग करने वाला पार्ट होगा, अर्थात रोटेट करने वाला होगा। क्लियर स्टूडेंट? रोटेटिंग पार्ट होगा। अब ये जो कन्वर्टर की बात की गई है, तो ये सिंगल फेस के लिए ही डिजाइन किया जाएगा, अर्थात कि एक फेस और दूसरा न्यूट्रल। क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर में सिर्फ एक ही फेस और एक न्यूट्रल होगा। अब यहां पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ हम फेस को करेंगे, न्यूट्रल जो है इसमें जब चेंज करेंगे तो इसकी जो संरचना होती है स्टूडेंट, इसकी संरचना डीसी शंट या कंपाउंड मशीन की तरह होती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि डीसी शंट जनरेटर मोटर के समान सेम कंस्ट्रक्शन होगा जनरेटर का। तो डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, तो डीसी संट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है, एज अ सेम मिलेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन एज अ सेम डीसी जनरेटर की तरह ही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है एज अ सेम डीसी जनरेटर की तरह ही होता है। अब यहां पर मशीन की बात की गई है, तो अर्थात जनरेटर की बात की गई है। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर जनरेटर की बात की गई है, क्योंकि डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है, अर्थात कि एसी नेचर का होता है। याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे कि डीसी जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में जब फ्लक्स कट होते हैं, फ्लक्स कट होता है जिस पॉइंट पर कट होगा उस पॉइंट पर फ्लक्स कट हुआ स्टूडेंट, जैसे इस पॉइंट पर फ्लक्स कट हुआ, तो इस पॉइंट पर इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, अर्थात कि ईएमएफ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अर्थात कि विवा बल या विद्युत वाहक बल, तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है स्टूडेंट, ये जिस पॉइंट पर कंडक्टर को आपस में फ्लक्स को आपस में यहां पर जब काटेंगे, तो वहां पर एसी नेचर की इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ उत्पन्न होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर एसी नेचर की ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। क्लियर है? मशीन से डीसी प्राप्त करने के लिए हम कम्यूटेटर तथा ब्रश का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये रोटरी कन्वर्टर है, देखिए यहां से इस सर्किट डायग्राम में आपको देखने मिलेगा, यहां सिंगल फेस एसी सप्लाई इस पॉइंट पर देंगे हम, इस पॉइंट पर दबेंगे तो ये फेस का पॉइंट हो जाएगा, ये न्यूट्रल का पॉइंट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर हमने क्या लगाया है, यहां पर हमने स्लिपरिंग लगा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? हमने क्या किया, स्लिपरिंग को सप्लाई दे दिए, ये स्लिपरिंग है और स्लिपरिंग को हमने सप्लाई दे दिए, दो स्लिपरिंग इसलिए लगाया गया है, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए स्टूडेंट। अब ये रोटरी कन्वर्टर है, रोटरी कन्वर्टर का मेन काम है जब ये कन्वर्ट करेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए इसे हम मैकेनिकल तरीके से, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैकेनिकल तरीके से, अर्थात कि यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं हम यहां पर।
एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं। यांत्रिक तरीके का मतलब होता है कि हम इसे मैकेनिकल रूप से, या यांत्रिक का मतलब होता है कि इसमें एक रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ है जो गतिज ऊर्जा के कारण यहां पर एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है। तो यहां पर जो मैकेनिकल रूप से हम यांत्रिक रूप से एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं, तो इसको एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हमने यहां पर कम्यूटेटर कम्यूटेटर का यूज किया है। अर्थात कि ये जो आपको कम्यूटेटर बार दिख रहा है, ये एक कम्यूटेटर है, और इस कम्यूटेटर का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि यह एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यदि आप जब कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे और कम्यूटेटर में कम्यूटेशन के बारे में जब पढ़ेंगे आप, तो आपको एसी को डीसी में कैसे चेंज करता है ये आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्लिप रिंग लगा हुआ है, स्लिप रिंग एसी सप्लाई इसे दिया गया है। उसके बाद ये रोटरी कन्वर्टर है, उसको हमने चेंज किया और यहाँ पर कम्यूटेटर लगा दिए। तो कम्यूटेटर क्या कर देगा, एसी को डीसी में चेंज कर देगा स्टूडेंट, और हमें आउटपुट के रूप में, यहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में डीसी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आउटपुट के रूप में हमें डीसी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट, और यहाँ पर लगा हुआ है स्लिप रिंग। यहाँ पर क्या लगा है हमने, स्लिप रिंग लगा है स्टूडेंट। एसी सप्लाई हमने दिए स्लिप रिंग के द्वारा, इसमें सप्लाई गया, यह रोटरी कन्वर्टर है और रोटरी कन्वर्टर ने क्या किया, इसके शाफ्ट से ही कम्यूटेटर जुड़ा हुआ है। कम्यूटेटर ने क्या किया, एसी को, यहां पर भी एसी ही होगा, और कम्यूटेटर ने एसी को डीसी में चेंज कर दिया। तो आउटपुट के रूप में हमें कम्यूटेटर के कारण, कम्यूटेटर सेगमेंट लगा होने के कारण यहां पर हमें आउटपुट के रूप में डीसी प्राप्त हुआ। क्लियर है स्टूडेंट, इसीलिए इसे हम सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। तो ये मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल रूप से चेंज यहां पर किया जाता है। मैकेनिकल रूप से एसी को, मैकेनिकल रूप से एसी को डीसी में चेंज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, चेंज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर इसके शाफ्ट पर दूसरी ओर क्या लगा हुआ है, स्लिप रिंग स्थापित कर देते हैं। चलिए, इसकी संरचना डीसी शंट मोटर की तरह होती है, कंपाउंड मशीन के समान भी होती है स्टूडेंट, अर्थात की कंपाउंड जनरेटर की तरह भी होती है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुआ जो विद्युत वाहक बल है वो प्रत्यावर्ती स्वभाव का, अर्थात की एसी नेचर का होता है, और डीसी मशीन में डीसी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर कम्यूटेटर तथा ब्रश का प्रयोग करते हैं। यदि एक डीसी शंट जनित्र की शाफ्ट पर दूसरी ओर स्लिप रिंग स्थापित कर दिया जाए, तो वाइंडिंग से संयोजित कर दिया जाए उसे, तो मशीन में आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति के द्वारा घुमाने पर उसमें एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई उत्पन्न होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट, दोनों सप्लाई एसी भी और डीसी भी दोनों उत्पन्न होती है। ये कैसे संभव है, तो यह दोस्तों स्लिप रिंग और कम्यूटेटर के द्वारा संभव है। स्लिप रिंग से हम एसी उत्पन्न करते हैं और कम्यूटेटर से डीसी उत्पन्न किया जा सकता है। स्लिप रिंग से एसी प्राप्त करेंगे और कम्यूटेटर से हम डीसी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको डीसी मोटर के वीडियोस डले हुए हैं, आप टांडेसर टेक्निकल चैनल में देख सकते हैं, उसमें डीसी के पूरे वीडियोस डले हुए हैं, उसे आप कंप्लीट यदि देखेंगे तो आपको स्लिप रिंग और कम्यूटेटर के बारे में विस्तृत रूप से आपको पता हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये हुआ सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। क्लियर है स्टूडेंट, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, अब इसके बाद में देखेंगे हम थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर, अब यहां पर थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर में जैसा सेम फंक्शन होता है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का, वैसा ही थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का भी सेम इसमें फंक्शन होगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर डीसी जनरेटर के बारे में कुछ इसके मेन पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है डीसी जनरेटर में इसका जो स्टेटर लेमिनेटेड होता है,
फील्ड पोल लगे होते हैं, इसमें इंटर पोल लगा होता है, ठीक है, और इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग्स भी की जाती है, डैम्पिंग वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और डैम्पिंग वाइंडिंग को हम दो अतिरिक्त स्लिप रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यदि अल्टरनेटर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाके आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अल्टरनेटर के पूरे वीडियोस गले हुए हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, और जैसे कि सिंक्रोनस मोटर में भी डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, वैसे सेम अल्टरनेटर में भी डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण जैसे कि थर्ड हार्मोनिक्स है, हंटिंग प्रोसेस है, इसे दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग को भी दो अतिरिक्त स्लिप रिंग के द्वारा हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं स्टूडेंट। और मशीन जो है आर्मेचर यदि लगा हो तो सामान्यतः वेव वाइंडिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एसी जनरेट कर रहे हैं अल्टरनेटर का यूज करके, अल्टरनेटर में एसी जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाएगी। सेवंथ हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स और हंटिंग प्रोसेस को एलुमिनेट करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? और यदि आप आर्मेचर का यूज करते हैं, अर्थात कि यहाँ पर आप डीसी जनरेटर, अर्थात कि डीसी प्राप्त कर ले, डीसी जनरेटर का यूज करते हैं, तो डीसी जनरेटर का यूज करने के लिए डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए यहाँ पर भी हम इंटरपोल का यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? इंटरपोल का यूज क्यों करते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ। वेव वाइंड आर्मेचर की आवश्यकता पर यह होता है कि इससे समांतर पथों की संख्या दो होती है, A is equal to P और A is equal to 2 होता है। तो वेव वाइंडिंग में ये हो जाएगा, वेव वाइंडिंग में हो जाएगा स्टूडेंट A is equal to 2, समांतर पथों की संख्या। दिस इज A इज कॉल्ड समांतर पथों की संख्या। क्लियर स्टूडेंट? और A is equal to P, मतलब जो समांतर पथों की संख्या है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगी। तो ये होती है लेप वाइंडिंग में, लेप वाइंडिंग में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपको याद रखना है, यदि आप डीसी मोटर के बारे में, डीसी जनरेटर में यदि आपने पढ़ा होगा, तो लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को फिर हम विस्तृत रूप से हम इसको समझेंगे। इसमें जो होता है 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है, प्रत्येक में हाफ वेव शेप यदि देखें तो इसमें 180 डिग्री का ही होता है, पाई का मतलब ही होता है 180 डिग्री। और सेकेंड हाफ में यदि आप देखेंगे दोस्तों, ये सेकेंड हाफ बन जाएगा, ये निगेटिव साइकिल का और ये पॉजिटिव साइकिल को जाएगा, तो ये भी 180 डिग्री का होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म इस तरीके से डिजाइन की जाती है, दिस इज कॉल्ड पाई एंड 2 पाई, दिस इज कॉल्ड पाई इज 180 डिग्री एंड 2 पाई इज कॉल्ड 360 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे स्लॉट में, जब इंस्टॉल करेंगे तो हाफ वेव के लिए 180 डिग्री होगा, हाफ वेव के लिए स्टूडेंट 180 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट? 180 डिग्री होगा। और इसमें तो वाइंडिंग होंगे, उसको मतलब कि उसका टैपिंग निकाल दिया जाता है वाइंडिंग से, जब आप टैपिंग निकाल देंगे तो दूसरी और उसको स्थापित कर सकते हैं स्लिप रिंग के द्वारा, याद रखिएगा स्टूडेंट। और मशीन को एसी सोर्स से संयोजित कर देते हैं, अर्थात कि एसी से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आप एसी से कनेक्ट कर देते हैं तो आपको एक ओर मिलेगा एसी और दूसरी ओर मिलेगा आपको डीसी, क्योंकि एक ओर एसी इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्लिप रिंग लगा हुआ है और दूसरी ओर हमने यहाँ पर कम्यूटेटर यूज किया है, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिलेगा डीसी आउटपुट के रूप में। क्लियर है स्टूडेंट? और इस साइड मिलेगा आउटपुट के रूप में एसी। तो इस तरीके से हम रोटरी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। मशीन को एसी सोर्स से संयोजित करने पर ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति ये स्टार्ट हो जाती है और कम्यूटेटर से डीसी प्राप्त होता है स्टूडेंट, और स्लिप रिंग साइड से एसी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप इसे एक कंप्लीट प्रारूप में इसे समझ सकते हैं, अर्थात रोटरी कन्वर्टर का यूज करके स्टूडेंट हम एसी भी प्राप्त कर सकते हैं, एसी भी प्राप्त कर सकते हैं और डीसी भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट?
अब देखेंगे हम थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर। थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर क्या होता है, मैं जो जो पॉइंट आपको बताता हूं स्टूडेंट उसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर में तीन फेस आर वाई और बी, ये तीनों फेस हो जाएंगे स्टूडेंट। सिंगल फेस में जो फेस डिफरेंस एंगल होता है वो मिलेगा आपको 90 डिग्री और थ्री फेस में आपको मिलेगा 120 डिग्री। अर्थात कि इस टाइप से जब आप आर और वाई, ये आर फेस हो गया, ये वाई और बी फेस हो गया, तो आर और वाई के बीच में आपको 120 डिग्री मिलेगा, वाई और बी के बीच में भी 120 डिग्री मिलेगा और बी और आर के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर प्रत्येक थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर में आर्मेचर पर वेव वाइंडिंग होने से, वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम, इसमें जो फेस डिफरेंस मिलता है वो 120 डिग्री का मिलता है। अर्थात कि 3 into 120 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 360 डिग्री, 360 डिग्री मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो प्रत्येक फेस में कितना हुआ, 120 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसमें वैद्युतिक जो अंश के जो अंतर है वो तीन स्टैंपिंग में होता है, क्योंकि R और Y और B, इसीलिए 3 into 120 हो जाएगा, 3 टेम्पिंग्स में निकाली जाती है। इन्हें 3 स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है, 3 फेस सप्लाई से इसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे स्टूडेंट वो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यह युक्ति स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कह सकते हैं इसे, आप इसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी आप कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट किया जाता है और स्टार्टिंग के समय में ट्रांसफार्मर के द्वारा मशीन का वोल्टेज कम कर दिया जाता है। तो जब स्टार्टिंग में, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान जीरो होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टार्टिंग में ईबी का मान जीरो होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि करंट को लिमिट करते हैं, करंट को कम करते हैं स्टूडेंट, नहीं तो हमारी जो वाइंडिंग है मोटर की ये शॉर्ट हो जाएगी, इसीलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। जब मोटर घूमना चालू कर देती है, रोटेट करना चालू कर देती है, तब ईबी मान बढ़ जाता है, बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। तो यही ईबी जो है लेंज के नियम के अनुसार, याद रखिएगा लेंज के नियम के अनुसार बैक ईएमएफ, फिर इसमें रिएक्टेंस उत्पन्न हो जाता है और आर एल और सी अर्थात की इम्पीडेंस बन जाता है, और यही इम्पीडेंस जो है ये रेजिस्टेंस का काम करती है और सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करती है, इसीलिए इम्पीडेंस को प्रतिबाधा कहा गया है। क्लियर स्टूडेंट। इम्पीडेंस को इसीलिए प्रतिबाधा कहा गया है। और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो बैक ईएमएफ बढ़ जाता है, तो इसीलिए फिर आप करंट को लिमिट न करें, आप स्टार्टर को छोड़ दें या बंद कर दें तो आपकी मोटर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू चालू रहेगी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग के समय में जो ट्रांसफार्मर के द्वारा मशीन को कम वोल्टेज दिया जाता है ताकि वाइंडिंग न जल जाए, और मशीन द्वारा घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है और पूर्ण वोल्टेज प्रदान करने लगती है स्टूडेंट। और आर्मेचर लेप वाउंड अर्थात कि आर्मेचर जो लेप वाइंडिंग है इसमें वो टेम्पिंग की संख्या को बढ़ाई जाती है। तो टेम्पिंग की संख्या बढ़ाने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है और ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप डीसी जनरेटर पढ़ते हैं तो डीसी जनरेटर में ये फार्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट, डीसी जनरेटर में ये फार्मूला दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर, इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे फोर पोल्स वाले लेप वाउंड में आर्मेचर में थ्री फेस सप्लाई देते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, थ्री फेस के लिए थ्री और पोल की संख्या चार हो गई, अपॉन टू करेंगे तो सिक्स स्टैंपिंग इसमें निकाली जाएगी, अर्थात छह स्लिप रिंग का यूज करना होगा। क्लियर स्टूडेंट। छह स्लिप रिंग का आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यदि इसके कंस्ट्रक्शन हम देखें तो कंस्ट्रक्शन जैसे सिंगल फेस वाला रोटरी कन्वर्टर था, वैसे ही थ्री फेस वाला भी रोटरी कन्वर्टर यूज किया जाएगा। ये शंट वाइंडिंग है स्टूडेंट, स्विच यहां पर लगा हुआ है, स्टार्टर यहां पर है, ये एक प्रकार की पहले तो मोटर में काम करेगा। अर्थात कि जब आप थ्री फेस एसी सप्लाई देंगे
थ्री फेज एसी सप्लाई देने पर इनपुट के रूप में यह मोटर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे हम, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टूडेंट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से इस स्लिप रिंग को सप्लाई देंगे, ये स्लिप रिंग है और स्लिप रिंग से सप्लाई देंगे। तो स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर से हम करंट को लिमिट करेंगे, करंट को कम करेंगे ताकि वाइंडिंग न जले। और ये डैम्पर वाइंडिंग है, इसमें कनेक्ट हुआ है, वो ये शंट वाइंडिंग कनेक्ट है स्टूडेंट। जब आप इसके रोटर पार्ट को रोटेट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इस स्विच के द्वारा इसको क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। शॉर्ट का मतलब स्विच को क्लोज कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसमें सप्लाई होना चालू हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर सप्लाई होना चालू हो जाएगा और डीसी सप्लाई प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ है और यह कम्यूटेटर डीसी सप्लाई हमें प्राप्त करके दे देगा। तो ये थ्री फेस रोटरी कन्वर्टर है स्टूडेंट, थ्री फेस को हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर दिया, डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से हम इसे डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट, डीसी सप्लाई में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर जो है के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर के लाभ, इस लाभ के बारे में भी हम जाने तो रोटरी कन्वर्टर के लाभ में, रोटरी कन्वर्टर के लाभ एकल मशीन होने के कारण, मतलब कि सिंगल मशीन होने के कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिससे इसकी स्थापना के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, मतलब हमें जगह जो लगेगी वो जगह कम लगेगी स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, पूरा पूरे एक एक पॉइंट को मैंने समझा दिया स्टूडेंट।